अपना होस्ट सरदार दीपक सिंह खिदमत हाजिर है। वल्दा पंजाब जी दो तमाम दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल नमस्ते अते सलाम। वल्दा पंजाब की टीम अच पहुंची है गुरुद्वारा सच्चा सौदा साहब जिथे गुरु नानक पातशाह का प्रकाश दिहाड़ा 556वां प्रकाश दिहाड़ा दुनिया भर तो सिख संगत गुरु नानक नाम लेवा संगत पाकिस्तान पवित्र धरती से प्रकाश दिहाड़ा मनाने पहुंचिया ने। कल जो 3000 के लगभग चढ़ते पंजाब भारत के वक् वक् कोनिया तो जो संगत पाकिस्तान की पवित्र धरती से पहुंची है वह भी अज इस टाइम गुरुद्वारा सच्चा सौदा साहब मौजूद है वो दर्शन लिए पहुंचे ने। साढ़े उस जत्थे के श्रद्धालु जोड़े आए हैं वो मौजूद ने और इन्होंने गलबात करते हैं, इन्हों पूछते हैं कि पाकिस्तान आके इन्हों कैसा लगा किड़े गुरु घर इन्होंने दर्शन किए। भाई सिंह जी सब तो पहले तो वाहगुरू जी का खालसा अते पाकिस्तान आते आप जी जी आया आप जी का शुभ नाम जी रविंदर सिंह उत्थे किहड़ा इलाका अपना श्री मुक्तसर साहब लंबी ब्लाक पिंड फतेहपुर ते कैसा लगा कितने कितने दर्शन करना है वीज़ा कितने कितने का मिले थानू वीज़ा जिन्हें गुरु धाम ने उन्होंने दसा दिनों का जिम्मे जत्थे का जत्थे मिले जो एस सी सी ने लगाया जो जिन्हें भी प्राइवेट जत्थे रोज जिनी संगत आई इकट्ठी आई है सारे लख लख बधाई आल वर्ल्ड बहुत वधिया लग रहा अभी तो पहली बार दर्शन करना है कई संगत हो गए कि पहली बार वीज़ा मिले है कि बहुत वधिया प्रोग्राम है इन्हों का प्रबंध बहुत वधिया है भाईचारा बहुत वधिया सांझ इतने कोई खतरे वाली गल नहीं है बहुत वधिया चंगे प्रबंध किए गए हैं पाकिस्तान गौरमेंट ने भी साड़ी हिंदुस्तान गौरमेंट ने भी जी उन्होंने धनवाद पाकिस्तान गौरमेंट का भी धनवाद दोनों देशों का धनवाद जोड़ा गुरपुरब से संगत इकट्ठे होने मतलब एक ऑफर देते गुरु नानक साहब के दर्शन करते गुरु घर उन्हों का अवतार मतलब उन्होंने जन्मभूमि के दर्शन मेले हुए हैं चलो जी महाराज जी थोड़ी यात्रा सफल ही करन जी ते असी उम्मीद करते हैं कि तुम दोबारा फिर आओ अते गुरु घर पाकिस्तान के वध तो वध गुरु घर वाहिगुरु जी का जैसा लगा आगे बहुत अच्छी पहली रही है बहुत अच्छा लग रहा है इस तो पहले आने की ट्राई नहीं की थी नहीं पहला कभी ट्राई नहीं की है पहली बार ट्राई की थी और पहली बार मान के जब मिल गया बहुत चंगा परिवार से पहले आए दोनों में अभी किया है। चलो महाराज थोड़ी यात्रा सफल करन जी सतसंग जी बेअंत संगत साडे नाल जुड़िया ने इन्हों नाल गलबात करदे आ इन्हों नाल इन्हों विचार सांझे करन दा मकसद यह है कि जिहड़ियां जिहड़े प्रोपोगंडे होंदे ने कि पाकिस्तान विच सिख सेफ नहीं हैं या पाकिस्तान विच उन्हां नाल धक्का हुंदा है इन्हां दे व्यूज़ लैण दा मकसद यह है कि सानूं वध तों वध जिहड़ियां सानूं जिहड़ियां संगतां इत्थे नहीं आउंदियां वो घर बैठ के देख सकन कि पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की गौरमेंट इतने आने वाले श्रद्धालुओं को किस तरह प्यार देते हैं। भाई सिंह वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह विचार सांझे करो साडे नाल। मैं जसवीर सिंह पटियाला पंजाब तो आया गा मैं दूसरी बार आया मैनू इधर आके पता ही नहीं चलता कि मैं पंजाब दे विच आ कि पाकिस्तान दे विच आ इन्ना लोग सत्कार प्यार करते घर बार सारा कुछ भुल जाईदा इत्थे आ कि ऐं लगता कभी पंजाब दे विच ही हुंदे आ जिहड़ियां लोग अफवाह फैलाउंदे आ कि उधर इस तरह की कोई भी गल नहीं बहुत ही ज़्यादा प्यार किया जाता है इतने कोई ऐसी गल ही नहीं कोई बार 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 कोई दिक्कत तो नहीं तो फेस कर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती इं जी करता भी बार बार आइए बार बार आइए मैं लगातार काफ़ी देर तो ट्राई कर रहा थी पिछले बार भी वीजा मेरा लग गया से मैं दर्शन करके गया संगता दे दोबारा फिर मेरा आने दिल करता से मैं अरदास करता परमात्मा के पूरे जिन्ना चिर मैं जाऊँगा सदा ही मैं आँदा ही रहा जी दस क्या बात है सात संगत जी देखो यह है प्यार यह है गुरु नानक पातशाह की धरती नाल साडा प्यार साडे नाल एक भैन जी भी मौजूद ने मैं देख लिया इन्हां नाल भी गलबात कर लिया भैन जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह पाकिस्तान आते हैं आप दा शुभ नाम हरविंदर कैसा लगा पाकिस्तान बहुत अच्छा लगा सेकंड टाइम आई हूं और बहुत ही अच्छा लगा पहले कदों आए थे मैं भी साखी जाए थे अच्छा
जो तुम लास्ट टाइम विसाखी से आए तो हूँ आए तो कुछ चेंजेस नज़र आई हैं कोई बेहतरी वाले पास हाँ बेहतरी लगी पहले नालों इंफ्रास्ट्रक्चर इधर का अच्छा होया असि ननकाना साहब रुके हैं उधर थोड़ा जहाँ पहले जब आए थे रेनोवेशन का काम हो रहा था ऑलमोस्ट काम हो चुका है 50% देखे रेनोवेशन हो चुकी है और अगर अच्छे से रखते हो कर भी रहे आने वास्ते आने की संख्या जी अगर आ गई सहूलियत देने वास्ते चलो बस लास्ट साढ़े देखने वाले श्रद्धालुओं देखने वाली संगतों को मैसेज दे सारे आओ संत श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी जन्म स्थान पर आओ ये सब गलत फैलाया जा रहा है कि जी एक बार हो जाओगे दोबारा नहीं जा पाओगे वीजे नहीं लगनगे कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है सारे आओ दर्शन करो साढ़ा पिछोकड़ है इधर आके दर्शन करो बहुत धन्यवाद जी बहुत धन्यवाद साढ़े एक होर भैन जी जुड़े ने वो भी गलबात करना चाहते हैं जी भैन जी आपका शुभ नाम मेरा नाम राधा जी है और मैं पहली बार आई हूँ पाकिस्तान आप इंडिया किस जगह थी मैं दिल्ली से आई हूँ और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा सबसे ज़्यादा तो मुझे स्वागत अच्छा लगा जो कि मैं जगह जगह जाती हूँ हर जगह इस तरह का स्वागत नहीं देखा पर यहाँ का जो स्वागत देखा है और माहौल देखा है मेरा मन गदगद हो गया और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ यहाँ की सरकार से इस बात कि उन्होंने जो प्रबंध कराया स्वागत का वो नहीं बस बस वो हाँ मैं अपने परिवार में से तो अकेली आई पर संगत के साथ आई हूँ पर मैं सिख नहीं हूँ हिंदू परिवार से हूँ लेकिन मैंने जो यहाँ का जो वातावरण देखा जैसे कि टीवी में मीडिया जो शो करती है उसके अपेक्षा बहुत वातावरण परिवर्तन देखा मैं आंखों देखी कह रही हूँ कि आंखों से कहते हैं ना मक्खी गिरी होती है तो वो दूध में से निकाल के फेंक देना पड़ता है तो उसी तरह से ये जो अफवाह फैला रखी है कि पाकिस्तान में लोग गंदे हैं वो नहीं है जो कि मैं इतनी अटैची और सब कुछ लेके आई जैसा जहाँ जो रखा है वैसा ही वहाँ रखा है बहुत जी क्या बात है अच्छा अब आप जब आप आ रही थी तो फैमिली में से किसी ने बोला तो होगा कि नहीं अकेले नहीं जाना आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे कुछ फैमिली ने सब ने ये कहा पाकिस्तान किस लिए जा रहे हो वहाँ क्या है तुम्हारा कोई मंदिर नहीं है कोई वो नहीं है त्योहार नहीं है तो मेरा मन था मुझे देखने की इच्छा थी मैं गुरुद्वारे में गई रकाबगंज में वहाँ मुझे किसी ने कहा कि आप जाना चाहते हो मैंने कहा हाँ मैंने मन है जाना चाहती हूँ तो उन्होंने तुरंत कहा दो दिन के अंदर मैंने पासपोर्ट भी बना हुआ था दो दिन के अंदर उन्होंने साइन कर दिया और वो भी आ गए मेरे पास इंक्वायरी करने वाले वो कहने लगे जस्ट मैम आप जाओगे मैंने कहा हाँ जाऊँगी अकेले बोले अकेले जाने की क्या इच्छा है आपको मैंने कहा मेरी इच्छा है मेरा मन है मैं देखना चाहती हूँ वहाँ कैसा वातावरण है वहाँ कैसी सिक्योरिटी है देखा तो पल पल पे जगह जगह पे इतना प्रबंध सिक्योरिटी का इतनी मतलब तादाद से ज़्यादा फिर अभी इंडिया में भी नहीं है फिर अभी वापस जाके उनको क्या कहेंगी मेरा संदेश तो यही है कि खुशहाली है जीवन में खुशहाली दो तरह की होती है एक होती है अपने अपने मन को जो अच्छा लगे उसको खुशहाली समझती हूँ मैं और मेरे मन को ये बहुत अच्छा लगा कि यहाँ का जो प्रबंध है वो बहुत अच्छा किया है उन्होंने सरकार ने तो ऐसे है ना मैं दूसरों को ये संदेश दूंगी कि भाई आप भी आओ ननका जी और ये जो है जैसे, जैसे जैसे आपने बोला कि सुनने में कुछ और होता है लेकिन जब इंसान आके खुद देखता है तो चीजें चेंज हो जाती है अंतर है उस बात में बहुत अंतर है देखने में ये पवित्र स्थान है और इसका वातावरण भी बहुत पवित्र है चलें जी बहुत धन्यवाद आपका हम महाराज के आगे अरदास करते हैं कि महाराज आपको दोबारा फिर अभी भी गुरु नानक देव जी ने आपको बुलाया है अपने घर पे दोबारा फिर आपको बुलाया मेरी इच्छा भी है कि मैं बच्चों को लेके एक बार फिर आऊं जरूर 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 पूरे परिवार जी साथ संगत जी तुसी देखिया कि व्यंग संगता साथ नाल जुड़िया भैन जी जिन्होंने यह भी कहा कि मैं सिख धर्म तो नहीं हाँ मैं आने तो पहले मेरे फैमिली ने मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी कहा कि पाकिस्तान चल रहे हो कले चल रहे हो उसे प्रॉब्लम होनी है लेकिन वो फिर भी आए अते आके जो उन्होंने विचार सांझे की वेल सैम बेटा मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करता हूं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मेरे जो हस्बैंड है वो आर समाज हां जी बोलो जल्दी बोलो भरपूर है आर समाज परिवार से
लेकिन उन्होंने मुझसे कहा हाँ सच्चा सौदा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जैसे जैसे फारग होता हूँ भी आपको कॉल करता हूँ। चले, ये गुरु नानक पातशाह ने आपको बुलाया अपने दर पे, तो हम अरदास करते हैं कि दोबारा फिर आप अपनी फैमिली और बच्चों के साथ जी। सतसंग जी, तुहानू साडा प्रोग्राम किस तरह का लग्या, अपने विचार कमेंट्स राही जरूर देना। इस दे नाल अपने होस्ट सरदार दीपक सिंह अते बोलदा पंजाब दी टीम नू इजाजत दिओ। वाहिगुरू का खालसा, वाहिगुरू की फतेह।